सुख सागर छठा स्कंद 18वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे श्री सुखदेव जी द्वारा सविता आदि के वृत्तांत का वर्णन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरम्भ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतानोत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, उसे तुम सुनो। सविता देवता की प्रश्नी नामक स्त्री के अग्निहोत्रा आदि 3 पुत्र और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भग देवता की सिद्धि नामक स्त्री से 2 पुत्र तथा 1 कन्या, धाता नामक देवता के यहाँ उर्गादिक 4 कन्याएं और पूर्णमास आदिक 4 पुत्र, अग्निदेव के यहाँ कृत्तिका नामक स्त्री से पुरीष आदिक पुत्र हुए, वरुण देव की चर्षणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिश्वर पुत्र उत्पन्न हुए, मित्रा वरुण देवता का वीर उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, अतः उस वीर को घड़े में रख देने से अगस्त एवं वशिष्ठ जी ने जन्म लिया, इंद्र की पुलोमा नामक स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र हुए, वामन भगवान की कीर्ति नामक स्त्री से सुभग नामक पुत्र हुआ, कश्यप की दिति नामक स्त्री से हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप की कयाधु नामक स्त्री से सिंह का नामक कन्या और सिंहलाद प्रहलाद यह 3 पुत्र हुए, सिंह का नामक कन्या विप्रचित्य नामक दैत्य को ब्याही दी जिससे राहु नामक दैत्य हुआ, सिंहलाद का पुत्र पंचजन तथा प्रहलाद का पुत्र वातापा नामक दानव हुआ जो अगस्त जी द्वारा मारा गया, प्रहलाद के महिषासुर तथा वाष्कल 2 पुत्र हुए, प्रहलाद का 1 पुत्र विरोचन हुआ, विरोचन की देवी नामक स्त्री से राजा बलि के वाणासुर आदि 100 पुत्र हुए, कश्यप की स्त्री दिति से मरुदगण आदि 49 पुत्र उत्पन्न होकर देवराज के समान देवता बने। इतना वृत्तांत सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव मुनि, दिति के पुत्र दैत्य होते हुए भी इंद्र के समान देवता कैसे हो गए, अतः आप कृपा कर उस कथा को कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्री नारायण जी ने वाराह तथा नरसिंह अवतार धारण कर दिति के 3 पुत्र हिरण्याच एवं हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया, तब दिति ने अत्यंत करुणा करते हुए अपने हृदय में सोचा कि मेरे दोनों पुत्र तो इंद्र ने मरवा दिए, अतः अब मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे यहाँ इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इसी कामना से दिति अपने पति कश्यप जी की सेवा बड़े प्रेम से करने लगी। तब एक दिन कश्यप जी ने उनसे प्रसन्न होकर कहा, हे दिति, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे जो अच्छा लगे वही वर मांग ले। पति के ऐसे वचन सुनकर दिति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वही वरदान दीजिए कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारकर सदैव अमर बना रहे। दिति के ऐसे वचन सुनते ही कश्यप जी ने उदास मन से विचार कर किया कि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, अब क्या करूँ, क्योंकि इंद्र श्री नारायण जी का परम भक्त है, अतः उसके प्राण लेना उचित नहीं और मेरा वचन भी मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसा मन में विचार कर कश्यप जी बोले, हे दिति, यदि तू गोप मास यानी कि अघन व्रत करे तो तेरे अवश्य ही ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी। और यह बात सुनकर दिति ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे उस व्रत की विधि बतला दीजिए, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगी। कश्यप जी बोले, हे दिति, गोप मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत को प्रारंभ करके नित्य प्रति ब्रह्मचर्य से रह। इस व्रत में दिन में सोना, नग्न होकर स्नान करना, शूद्रों से संभाषण करना, सिर के बाल खुले रखना तथा मिथ्या भाषण करना वर्जित है। हर समय शुद्ध रहे श्री लक्ष्मी नारायण जी एवं सावित्री आदि सतियों की विधिवत पूजा कर 1 वर्ष पर्यंत नित्य करनी चाहिए। इस प्रकार यदि तू यह व्रत करे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सकता है जो इंद्र को मारकर अमर बना रहे, परंतु यदि श्री नारायण जी की ऐसी इच्छा न हुई तो तेरे व्रत में विघ्न पड़ जाएगा। ऐसे वचन सुनकर दिति प्रसन्न होकर विधिवत व्रत करने लगी। जब इंद्र ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत भयभीत होने लगा और हृदय में सोचा कि यह तो निश्चय ही मेरी मृत्यु का संयोग बन पड़ा है, अतः अब मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता।
ऐसा मन में सोचकर इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर दिति के घर गया और आठों पहर उसकी सेवा करने लगा। दिति उसकी सेवा से बड़ी प्रसन्न रहने लगी। जैसे ही व्रत समाप्त होने के दिन समीप आते जाते थे, वैसे वैसे ही इंद्र को अधिक सोच पड़ता जाता था। जब उस व्रत के समाप्त होने में केवल 4-5 दिन शेष रह गए, तब श्री नारायण जी की इच्छा से एक दिन दिति सिर के बाल खुले छोड़कर झूठे मुंह ही सो गई। ये दोनों बातें इस व्रत में वर्जित हैं, यह सोचकर इंद्र अपना छोटा रूप धारण कर वज्र लिए हुए दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में जो बालक था उसके साथ भाग कर दिए। जब वे सात और रुदन करने लगे, तब इंद्र ने पुनः एक एक के साथ साथ भाग कर दिए, परंतु भगवान कृपा से एक भी मन ही मरा। तब वे 49 बालक होकर रोने लगे और इंद्र से बोले, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र उन बालकों से कहने लगे, हे भाई, अब तुम मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर मेरे साथ रहोगे। तत्पश्चात इंद्र ने उन 49 बालकों सहित गर्भ से बाहर आकर इंद्र रूप धारण कर लिया। जब दिति जागी तो इंद्र को 49 बालकों सहित सामने खड़ा देखकर उससे पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, फिर यह 49 बालक किस प्रकार उत्पन्न हुए? दिति के ऐसे वचन सुनकर देवराज डरते एवं कांपते हुए बोले, हे माता, जब मैंने आपको झूठे मुंह तथा खुले बाल सोते हुए देखा, तब मैं व्रत को अपवित्र समझकर अपने प्राण बचाने के निमित्त आपके गर्भ में प्रवेश हो गया और अपने वजह से उस बालक के 49 भाग कर दिए, परंतु आपके व्रत तथा पूजा के प्रताप से यह 49 बालक अमर होकर जीवित ही रह गए। अब मैं इन बालकों के साथ आपके गर्भ से निकला हूँ, इसलिए यह सब बालक मेरे भाई होकर देवलोक में मेरे साथ वास करेंगे। ऐसे वचन सुनते ही दिति अत्यंत हर्षित होते हुए बोली, हे इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप रखकर मेरी बहुत सेवा की है, अतः अब मुझे तेरे मरने की कोई कामना नहीं है। ये मेरे बालक भाई के समान तेरे साथ रहेंगे और समय आने पर तेरी सहायता करेंगे। जब दिति के ऐसे वचन सुनकर इंद्र को मरने का भय दूर हो गया, तब वह बड़ी प्रसन्नता से दिति को साष्टांग प्रणाम करके अपने 49 भाइयों सहित अपने लोक में पहुंचकर राज करने लगा। हे परीक्षित, इस प्रकार दिति के पुत्र इंद्र के समान देवता बन गए थे। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। और यहीं पर 6 स्कंद का 18 अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है, तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल मित्र यशोदा शर्मा जी को हमारा तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग भी हमारे चैनल्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल मित्र बनना चाहते हैं, तो मात्र 29 रुपये प्रति माह से इसकी शुरुआत है, आप हमारे मित्र बन सकते हैं। सुख सागर 6 स्कंद 19 अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे परीक्षित का पुंसवन व्रत की विधि पूछना और सुखदेव जी द्वारा उसका वर्णन करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, इस व्रत का बड़ा ही प्रताप है, अतः कृपा कर इसकी विधि बतलाइए। श्री सुखदेव जी मुनि बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर गोप मास अर्थात अगहन में अमावस्या को स्नान करके पहले मृतदेव की कथा श्रवण करे, तत्पश्चात शूकर द्वारा खोदी हुई मृतिका शरीर में मलकर स्नान करे, फिर दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत प्रारंभ करके ब्रह्मचर्य का पालन करे और शास्त्रानुसार प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे, फिर सावित्री आदि सतियों का पूजन कर अग्निदेव को खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर खिलाकर शेष बची हुई खीर को स्वयं खावे। इसी प्रकार नित्य प्रति निरंतर 1 वर्ष तक व्रत तथा पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विधिवत उद्यापन करे, तत्पश्चात ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन करावे। उद्यापन कराने वाले आचार्य को शैयादान गौ तथा द्रव्यादिक देकर प्रसन्न करे। इस प्रकार का व्रत करने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र प्राप्त करके सदैव सावित्री के समान रहती है। जगत में उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। और यहीं पर 6 स्कंद का 19 अध्याय भी संपूर्ण होता है। साथ ही यहाँ पर 6 स्कंद भी संपूर्ण होता है। तो अगली वीडियो में हम 7 अध्याय का आरंभ करेंगे। जब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो इन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। और इस अध्याय को लाइक करें, कम से कम 2 लोगों को शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं, उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें। और यही है सकारात्मक परिवर्तन।